ऋषि परंपरा में ये आती है ऋषि भरद्वाज से, और फिर ऋषि आत्रेय पुनर्वसु, और तब आचार्य अग्निवेश, और फिर आते हैं आचार्य चरक। जो पुष्यमित्र शुंग का काल है वो आचार्य चरक के काल को कहा जाता है। ब्रह्मा, दक्ष, प्रजापति, अश्विनी कुमार और इंद्र, यहाँ पर आपको देवता इनका नाम आपको यहाँ प्रतीत हो रहा है। तो ऋषि परंपरा की जो शुरुआत है, मतलब ऋषि भरद्वाज ने इंद्र से जो है इस संहिता की जानकारी ली और समाज तक इसे लाए, पृथ्वी में इसे फैलाया। इस पे बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, ये भाषा शैली और पुस्तक कितनी प्राचीन है उसके अनुसार जो है डेटिंग कर दी जाती है, तो उसको उतना सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि ये धीरे धीरे अभी जो डेटिंग हो रही है तो ये और प्राचीन होती जा रही है। किसी भी व्यक्ति को अगर अपने आप को स्वस्थ करना है तो उसको 5 कोशों पे काम करना पड़ता है, 5 शील्थ हम कहते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश।